नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। गाइस, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन का थर्ड लेसन, जिसका टाइटल है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। इसको कंपोज किए हैं जॉन मिल्टन। 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और यह जो है अपने इस लेसन में अपने अंधेपन को बताए हैं। 44 साल की उम्र में इनका जो है इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी 1652 में। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, और आप लोग इसको लास्ट तक देखिए। यह कहानी बहुत ही गजब की है, इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं। देखिए क्या बताएं जॉन मिल्टन जी। व्हेन आई कंसिडर, कंसिडर मीन्स सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मीन्स चली गई, कि मेरे आंखों की रोशनी किस प्रकार गायब हो गई। कह रहा है कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों की ज्योति, मेरे आंखों का प्रकाश किस तरह से गायब हो गया। इर का मतलब होता है पूर्व, पहले ही। हाफ माई डेज, हाफ मतलब आधी, डेज मतलब दिन नहीं, उम्र बताया, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार गायब हो गई। इन दिस डार्क एंड डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार में, एंड वाइड मीन्स विस्तृत। इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार गायब हो गई, जब मैं सोचता हूं। एंड दैट वन टैलेंट, और टैलेंट का मतलब होता है हुनर, एक गुण, और मेरे अंदर वह जो कविता करने का हुनर है, जो मेरे अंदर एक गुण है, विच इज डेथ ऑफ हाइड, हाइड मीन्स छुपाना होता है, जिसको छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है। जो मेरे अंदर एक टैलेंट है, हुनर है, गुण है, उसको छुपाना एक नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस विद मी यूजलेस, जो कि मेरे अंदर अब यूजलेस पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। अरे भाई, जब इसके पास आंखें नहीं है तो आप कितना ही ज्ञानी क्यों ना रहें, कैसे आप लिखेंगे, कैसे बताएंगे। वही बता रहा है कि मेरे अंदर वह एक हुनर है, लेकिन मेरे आंखों की रोशनी जब गायब हो गई तो वह मृत्यु के समान है, वह ज्ञान मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, बेंट का मतलब होता है उत्सुक, यद्यपि मेरी आत्मा अभी भी बहुत उत्सुक है, बहुत चाहती है। क्या चाहती है, आगे देखिए। कह रहा है टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मीन्स गॉड, मुझे बनाने वाला। कह रहा है कि टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी आत्मा अभी भी मेरे ईश्वर की, मुझे बनाने वाले ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत आतुर है। सर्व मीन्स सेवा करने के लिए बहुत आतुर है। एंड प्रेजेंट ट्रू माई ट्रू अकाउंट, और जो कुछ भी मैंने प्रेजेंट किया, मतलब क्या, जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि ही वह, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग का मतलब बता रहा है यहाँ पे ना, जब मेरी मृत्यु हो, मरणोपरांत, चाइल्ड मीन्स फटकारना। कह रहे हैं मिल्टन जी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं जब ईश्वर के पास जाऊंगा वापस, तो कहीं ईश्वर मुझे फटकार ना दे। कह रहा है मेरी आत्मा अभी भी ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत आतुर है, बहुत उत्सुक है, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वहां जाऊं ईश्वर के पास तो वह मुझे फटकार दे, डांट दे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डेनिड आई फाउंडली आस्क। कह रहा है कि मैंने पूछा, देखिए झिझक करके मिल्टन जी पूछते हैं, कहते हैं लाइट डेनिड, आंखों का प्रकाश जाने के बाद भी। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर रात दिन मुझसे काम करवाना चाहता है, मैं अंधा हो गया हूं फिर भी ईश्वर मुझसे काम करवाना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मैंने पूछा। बट पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर मीन्स क्या होता है, बड़बड़ाहट को, शिकायत को, और प्रिवेंट मीन्स रोकना, लेकिन धैर्य ने इस बड़बड़ाहट को, इस शिकायत को रोकते हुए सून रिप्लाई, तुरंत उत्तर दिया। देखिए जब मिल्टन जी मन में सोच रहे थे, कह रहे थे कि मैं अंधा हो गया हूं, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या ईश्वर फिर भी मुझसे रात दिन काम करवाना चाहता है, तब उनके धैर्य ने, उनके मन ने यह उत्तर दिया। क्या कहा, देखिए, गॉड डथ नॉट नीड, डथ का मतलब डज होता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क। उनके तब देखिए धैर्य ने क्या उत्तर दिया, ईश्वर को आदमी द्वारा किए गए कार्य की कोई जरूरत नहीं होती है। God does not need, need means आवश्यकता, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है आदमी के काम की, आदमी द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती है। और his own gift, own means खुद का, और जो कुछ भी ईश्वर ने मनुष्य को गिफ्ट किया है, उपहार दिया है, टैलेंट, हुनर, गुण, उसकी भी आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती है। Who best bear his mild yoke, देखिए Who best bear his mild yoke, जो लोग उसके द्वारा दिए गए कष्ट को अच्छी तरह से झेलते हैं, सफर करते हैं, दे सर्व
हिम बेस्ट, वही लोग ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा तो राजाओं के जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों लोग हजारों देवदूत बिना आराम के कदि हजारों देवदूत उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए कर धरती लैंड में धरती ओशियन में महासागर, धरती से लेकर के महासागरों तक हजारों देवदूत बिना आराम किए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वह लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो लोग स्टैंड मतलब खड़े नहीं, जो लोग अपने भाग्य पर संतोष करके बैठे हैं, मतलब अपने मन में विश्वास करके बैठे हैं, एंड वेट, और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि टू सर्व विद माई मेकर, देयर विद माई मेकर, मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत आतुर है। एंड प्रेजेंट टू माई ट्रू अकाउंट, जो कुछ भी मैंने किया है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मृत्यु के बाद ईश्वर से ठुकरा दे, फटकार दे। और इस देखिए, तब मैंने उनसे पूछा, तब मेरे मन ने यह प्रश्न किया कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई, क्या भगवान फिर भी मुझसे काम करवाना चाहते हैं। इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने उत्तर दिया कि ईश्वर को आदमी द्वारा किए गए कार्य की और उसके उपहारों की कोई जरूरत नहीं है। वह लोग जो उसके कष्टों को झेलते हैं वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। और ईश्वर की दशा, ईश्वर की जो दशा है वह तो राजाओं की जैसी है, जैसे कि हजारों देवदूत बिना आराम के धरती से लेकर के महासागरों तक उसकी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वह लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो लोग अपने भाग्य पर संतोष करके बैठे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों आज का हमारा यह था लेसन, आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक करें, हमें भी बताएं, कमेंट करें, और अगर इसमें जो कुछ भी कमी रह गई आप उसको भी पूछ सकते हैं, हम उसको आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं